ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज हम सीखेंगे लता जी का ये सुपर हिट सॉन्ग, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। और बहुत प्यारा सॉन्ग है, म्यूजिक पार्ट भी अच्छे हैं इसके। तो इस सॉन्ग को आज हम करेंगे विद म्यूजिक पार्ट, विद नोटेशन। तो आइएगा, करेंगे लेसन शुरू। और लेसन शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि अच्छे अच्छे म्यूजिकल लेसन हम इस चैनल पर आपको देते रहें। आइएगा करते हैं लेसन शुरू। और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केल की। तो जो स्केल है वो हमने रखा है, पहला काला सी शार्प मेजर इसका कॉर्ड है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल स्केल है वो दूसरा काला है, लेकिन बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको पहले काले से बनाएंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं जो इसमें स्वर प्रयोग होंगे वो देख लेते हैं पहले। तो इसमें सा रे गा और दोनों मा का प्रयोग होगा, पा और धा, ठीक है, नी सा, ये स्वर है। और मंत्र सप्तक की आप अगर बात कर लें तो आपका धा और नी, ये दोनों स्वर प्रयोग होंगे, ठीक है। और इसमें जो इसका एक सेकंड म्यूजिक पार्ट है, यानी कि जो थर्ड अंतरे से पहले जो यूज हुआ है, वो म्यूजिक पार्ट भी मैं इसमें आपको बताऊंगा, दो म्यूजिक पार्ट बताऊंगा। तो उसमें तो कोमल रे भी यूज हुआ है और कोमल धा भी यूज हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं स्थाई से। तो देखिएगा जो स्थाई है इसकी वो करते हैं सबसे पहले। अब जो स्थाई है, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का ये स्थाई हमारी, ठीक है। तो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब पहली लाइन, ये जिंदगी उसी की है, पहले इतना, ये जिंदगी उसी की है। अब ये धा और सीधा गा, धागा मगरे गरे सारे गरे सारे गा, ये जिंदगी उसी की है, धागा मगरे गरे सारे गा, ठीक है, जो किसी का हो गया। अब ये जो किसी का गया, अब ये पागा रे गा मा पा, जो किसी का हो गया, रे गा मा पा। अब यहां पर तीव्र मा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद प्यार ही में खो गया, प्यार ही में, प्यार ही में, धा पा धा, प्यार ही में, धा पा धा पा गरे गा। अब जब यहां पर दूसरा धा यूज कर रहे हैं तो नी का कर्ण साथ में ले रहे हैं, धा पा धा प्यार ही में, धा पा धा पा गरे
शुद्ध मायू जो है, ठीक है। प्यार ही में खो गया ये जिंदगी उसी की है। अब ये यहां पर जो ऐसे छोड़ा जाएगा ये सारेगा उसी की है, ये फिर ऐसे आएगा ये जिंदगी उसी की है, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद जो म्यूजिक पार्ट है अब वो देखेगा, सितार से म्यूजिक पार्ट है, पार्ट है ये, इतना पार्ट है, ठीक है। अब स्लो में देखेगा, गा सा धा गा, गा सा धा गा, दूसरा पोर्शन पा गा रे पा, तो पहला पोर्शन है गा सा धा गा पा गा रे पा, ये दो पोर्शन हुए। उसके बाद नी सा नी धा नी तो ये तीसरा और चौथा पोर्शन हुआ, नी सा नी धा नी पा दा पा गा पा, और उसके बाद फिर है रे गा रे सा रे गा रे सा रे गा पा नी धा रे गा रे सा रे गा पा नी धा, इतना पार्ट है। अब एक बार मैं पूरा फिर आपको बजा करके दिखाता हूँ, सुन लीजिएगा। इतना ही म्यूजिक पार्ट। अब इसके बाद अंतरा शुरू होगा। अब जो अंतरा है लाइन है, पहली लाइन अंतरे की, ठीक है। अब देखिएगा इसको स्लो में, ये बहार ये समा, अब नोटेशन है गा पा नी धा पा गा पा नी धा पा, ये बहार, अब नी जो है बहुत अल्प यूज हुआ है, ये बहार ये समा गा पा नी दा पा गा पा नी दा पा, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लाइन है कह रहा है प्यार का, फिर ये लाइन है कह रहा है प्यार का, अब ये धा से दा पा पा दा सा जब धासन सा पर जा रहे हैं तो हल्का सा नी को भी छू करके जा रहे हैं, कह रहा है प्यार कर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर, फिर ये लाइन है किसी की ठीक
अब ये जो है, जिंदगी है ये है, ठीक है। उसके बाद फिर रिपीट होगी दोबारा ये लाइन, जिंदगी है बेवफा। अब सेकंड बार में ये पापर आ जाएगी, जिंदगी है बेवफा। अब सेकंड बार में पापर आ जाएगी बेवफा, ठीक है। लूट प्यार का मजा ये जिंदगी उसी। अब ये जो लाइन है लास्ट वाली, लूट प्यार का मजा, नींद पारेगा पागा पागा सा, नींद पारेगा पागा पागा सा, लूट प्यार का मजा ये जिंदगी उसी। ठीक है, ये हुआ आपका अंतरा कंप्लीट। इसके बाद जो सेकंड म्यूजिक है, मतलब जो थर्ड म्यूजिक है इसका, वो देख लीजिए थोड़ा सा, वो बताता हूं। उसमें आपका एक्स्ट्रा स्वर भी कुछ यूज होंगे, कोमल रे भी यूज होगा, कोमल धा भी यूज होगा। आप देखिए किस तरह से होगा, ये म्यूजिक है, ठीक है। अब देखिएगा स्लो, दोनों धा एक साथ, गमा धा नी धा 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 मा गा, ठीक है। उसके बाद रे रे गा रे रे मा धा मा गा, रे रे गा रे रे मा धा मा गा। उसके बाद गमा धा धा सा नी धा, गमा धा धा सा नी धा, आपका थर्ड म्यूजिक है। इसके बाद आपका थर्ड अंतरा शुरू होगा, और इस तरह से आप पूरे गाने को अच्छे से कंप्लीटली बजा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी, और कहीं कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।